नमस्कार दोस्तों आओ सीखे के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये दो कलर का ये खूबसूरत सा लेडीज बूट आपके लिए लाई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखिए बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये बूट छः नंबर के पैर के लिए है तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाते हैं तो इसके लिए मैंने सिंगल धागे से और दस नंबर की सिलाई से और दस नंबर की सिलाई से बाईस फंदे डाले हैं और सभी फंदा हम सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे फंदे तो सभी फंदे सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया गया है अब ये डिजाइन दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड तो पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे उनको दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदे सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे और लास्ट फंदा इसे उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे तो हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया तीसरी लाइन में हम दूसरे कलर का ऊन अटैच करेंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे तो हमने सभी फंदे सीधे बना, तो बना लिए अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा बना लेंगे पांचवी लाइन में फिर हम पहले कलर के उनसे सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर करेंगे शेष सभी फंदे सीधे और लास्ट फंदा उल्टा और फिर हम और फिर हम सेकेंडरी कलर के उन से सभी फंदे सामने से सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे तो इन्हीं चारों लाइनों को प्राइमरी कलर से सामने से भी सीधा और रॉन्ग साइड से भी सीधा पहला और आखिरी फंदा उल्टा और सेकेंडरी कलर से सामने से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा तो इन्हीं चारों लाइनों को हमें दोहराना है और इस तरह है, इसको हम जैसे यहाँ पे ये एक लाइन हुआ ये दो लाइन हुआ इसी तरह हम इसी तरह हम पिंक कलर से थर्टी सेवन लाइन कंप्लीट करेंगे यानी कि पिंक कलर से थर्टी सेवन लाइन और अगर इसको एक लाइन माने तो वाइट कलर से थर्टी सिक्स लाइन कंप्लीट करेंगे तो मैं इतना कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये इतना कंप्लीट कर लिया है अब अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स और ये थर्टी सेवन थो होने जा रहा है और वाइट वाला थर्टी सिक्स तो अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे शेष सभी फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा तो ये हमारा थर्टी सेवेंथ रो कंप्लीट हो गया पिंक कलर से ये हमारा थर्टी सेवेंथ रो है तो अब हम हमारा अब हम सभी फंदों को क्लोज कर लेंगे ऐसे दो दो फंदे बुनते जाएंगे पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे ये सीधा बुनते जाएंगे पीछे वाला फंदा उठाएंगे आगे वाले पे चढ़ा देंगे अगला फंदा सीधा बुन लेंगे पीछे वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे इसी तरह करते हुए हम सभी फंदे क्लोज कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे उतार लिए गए और ये आखिरी फंदा रह गया है तो इसको हम यूं ही छोड़ देंगे और अब देखिए ये हमारे ये सफ़ेद वाले से हम उठाना शुरू करेंगे ये जो हमारा ये एज दिखाई दे रहा है सीधे फंदों की एक लाइन उसी में ऐसे देखिए हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे निकालेंगे ये एक दो तीन चार ऐसे ही हर एक फंदे में सिलाई डालेंगे और हम एक फंदा निकालते जाएंगे तो ये छ हो गया सात आठ नौ देखिए हर फंदे में हम सिलाई डालेंगे एक बार सफेद वाले में और अगले बार में गुलाबी वाले में ये हमको देखिए एक ये धागे फंदे दिखाई दे रहे हैं एक सफेद एक गुलाबी एक सफेद एक गुलाबी एक ऐसे क्रम से दिखाई दे रहे है तो हमें प्रत्येक फंदे में ऐसे ही सिलाई डालना है और फंदा बना लेना है सलाई डाला फंदा बनाया सिलाई डाला और फंदा बनाया तो इसी तरह करते हुए हमें सभी फंदे उठा लेने हैं जितने एच के ये फंदे हैं सब में से हमें एक एक फंदे ऐसे निकाल लेने हैं तो मैं सारे फंदे उठा के दिखाती हूँ तो ये टोटल सेवेंटी फोर फंदे उठे हैं और अब हम पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे और शेष फंदे को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे और आखिरी फंदा उल्टा बुनेंगे तो दूसरे लाइन को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाते हूँ तो सभी फंदे सीधे बुन लिए गए हैं अब ये आखिरी फंदा है तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे और अब हम फिर राइट साइड में हैं तो हम तेईस फंदा सीधा बुनेंगे ये पहला फंदा स्लिप कर लिया ये हुआ दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और ये हुआ तेईस तो तेईस फंदे सीधे बुने जा चुके हैं अब हम चौदह फंदे दो दो फंदों को एक लेके बुनेंगे दो फंदों को एक लिया और ये हुआ एक फिर दो फंदों को लिया और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लिया यह हुआ दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह यानी दो दो फंदों को लेकर हमने 28 फंदों को यहाँ पे 14 फंदे कर लिया और अब यहाँ पे शेष तेईस फंदे बचे हैं तो उन्हें हम सीधा बुन लेंगे तीस और ये तेईस और रॉन्ग साइड से पहला फंदा और आखिरी फंदा उल्टा बुनेंगे और शेष सभी फंदे सीधे बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो हम तेईस फंदे सीधा बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और तेईस तेईस फंदे सीधे बुन बुन लिए गए हैं अब दो दो फंदों को एक साथ लेंगे दो फंदों को एक साथ लिया और एक सीधा फंदा बनाया एक दो फंदों को एक साथ लिया और एक सीधा फंदा दो तीन चार पाँच, और सात। तो चौदह फंदों को यहाँ पे हमने सात फंदे बना लिए दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए चौदह फंदों को सात फंदे बना लिए अब यहाँ पे तेईस फंदे बचे हैं, तो उन्हें हम सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे शेष सभी फंदा सीधा बुनेंगे और आखिरी फंदा उल्टा पूरी बुनाई हमने दस नंबर की सिलाई पे की है और ये अब आखिरी लाइन है और अब हम नौ नंबर की सिलाई लेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनते हुए फंदे घटाना शुरू कर देंगे हम नौ नंबर की सिलाई से फंदे घटाएंगे ताकि हमारा आखिरी लाइन अब बहुत टाइट ना हो वरना पहनने में कठिनाई होगी तो आखिरी लाइन हम एक नंबर मोटे सिलाई से करेंगे हमने सारी बुनाई दस नंबर की सिलाई से की और आखिरी फंदा हम नौ नंबर की सिलाई से बुनेंगे उतारते समय हम नौ नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करेंगे तो सीधा बुनते हुए और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पे चढ़ाते हुए सभी फंदे क्लोज कर लिए जाएंगे देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे क्लोज कर लिए गए हैं अब हम थोड़ा लंबा धागा काटेंगे और, और इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसको टाइट कर लेंगे अब इसी धागे से हम उल्टा करेंगे जूती को उल्टा करेंगे और यहां से सिलते हुए सामने तक लाएंगे यहां से सिलते हुए और फिर यहाँ तक यहाँ पे हम एक दो बार कर लेंगे ताकि ये टूटे ना यहाँ से पहनने में ये कट ना जाए उसके बाद हम जैसे भी सिलाई करते हैं हम इसकी सिलाई कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स जूती बनके तैयार है आशा है आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद